हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का गठन किसके द्वारा किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का गठन किया गया है फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। 1993 में बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। मतलब फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया उसकी अनुशंसा पे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। मध्य प्रदेश को 4 हिंदी भाषी राज्यों को प्रांतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल स्टेट। हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट कहाँ से लिए गए। देखिए सबसे पहले पार्ट ए। पार्ट ए में आता है सेंट्रल प्रोविंसी व बरार। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। ठीक। पार्ट बी में क्या आएगा? पश्चिमी रियासतें। पार्ट बी में आएगी पश्चिमी रियासतें। पश्चिमी रियासतों में 2 रियासतें थी, एक थी ग्वालियर रियासत और एक थी इंदौर रियासत। इनमें बारी बारी से राजधानी परिवर्तित की जाती थी, ग्रीष्मकाल में और शीतकाल में परिवर्तित होती थी। ग्रीष्मकाल में राजधानी पार्ट बी पश्चिमी रियासतों की होती थी इंदौर, और शीतकाल में होती थी ग्वालियर। ठीक है। और पार्ट सी में क्या आता था? विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी क्या थी? रीवा। ठीक है। एक और जो बचा हुआ है ये था भोपाल स्टेट, जिसको बाद में काय में मिला दिया गया था पार्ट सी में। अब इन सबको मिला के, चारों प्रांतों को मिला के, चारों हिंदी प्रांतों मिला के काय का गठन किया गया था? मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। अब ये जब प्रांत है तो इनके प्रमुख भी रहे होंगे, इसी आधार पर हम देखते हैं इन लोगों के प्रमुख कौन थे। पार्ट ए की राजधानी हुआ करती थी नागपुर, और इसके प्रमुख कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है। फिर उसके बाद में पार्ट बी में अगर अपन देखेंगे तो इंदौर और ग्वालियर दोनों राजधानी है। इसके जो पहले प्रमुख थे वो थे लीलाधर जोशी। ठीक है। और उसके बाद में दूसरे जो प्रमुख होंगे वो होंगे तखतमल जैन। ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा पार्ट सी। पार्ट सी में भी 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है इसको भी। एक भाग हो जाता है बघेलखंड और दूसरा भाग है बुंदेलखंड। ठीक है। बुंदेलखंड के जो प्रमुख हुए थे वो थे कामत प्रसाद सक्सेना, और बघेलखंड के